होती है और यहाँ मुझे थोड़ी बहुत लोड भी मिल जाती है और इस गेम का सबसे पहला बंद मुझे यहाँ नोटिस होता है और ये किसी और को मार रहा होता है मैं इस को यहां बंद को यहाँ जैसे ही खत्म करती हूँ अपोजिट साइड वाला बंदा यहाँ आता है और ये बंदा यहाँ ही आता है मैं इसको यहां पर नॉक कर देती हूँ करो तो तुम्हें भी प्रसाद मिलेगा अब तुम्हारी वाली ये लो तुम प्रसाद मैं इस बंदे को यहाँ पर जैसे ही नॉक करती हूँ इसका दूसरा टिमेट इसको रिवाइव करने के लिए आने लगता है तो मैं सोचती हूँ अरे मेरे सामने गुची गुची करोगे ना मैं तो नहीं करने दूंगी मैं यहाँ सोचती हूँ कि और कर लो गुची गोची आगे तुम्हें मुझे नॉक होकर अब लॉबी की हवे खाओ तुम और मैं यहाँ चौथे बंदे को ढूंढने लगती हूँ बट गाइस इसका चौथा बंदा बहुत ज्यादा ही फट्टू होता है वो मुझे कहीं भी नोटिस नहीं होता मैं पूरे बिल्डिंग में ढूंढ लेती हूँ और यहाँ पर मुझे ऊपर की साइड से आवाज आने लगती है और यार यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा होता है ये बंदे पता नहीं कौन से सस्ते नशे करके अपने ही मगन में घूमे जा रहे थे इनको किसी से कोई मतलब नहीं है मैं यहाँ ये यह सोचती हूँ कि तुम दोनों ने सस्ते नशे करके यहाँ बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर लिया है और अब तुम लॉबी जाओ सस्ते नशे कर ही चुके हो तो वहाँ पर जाकर डांस वाले इमोट्स मारो लाइफ के मज़े लो मैं उन दोनों को यहाँ लॉबी पहुँचा देती हूँ और इस बिल्डिंग को छोड़कर मैं इस बिल्डिंग में आ जाती हूँ और सामने के साइड से मुझे एक बंदा दौड़ता हुआ नोटिस होता है नहीं, इस बंदे को क्या चोल पड़ी थी जो अपार्टमेंट में होकर ये इतना ओपन में घूम रहा था इस मैं इसको यहाँ नॉक करके टोटली फिनिश कर देती हूँ तो थोड़ी देर बाद मुझे राइट से फायर की आवाज आती है तो मैं जाकर देखती हूँ यहाँ भी बंदे होते हैं यार मैं यहाँ जैसे इस बंदे को नॉक करती हूँ इसका दूसरा टिमिट खिड़की के ऊपर पिक लेकर खड़ा हो जाता है पिटकाइस मैंने यार इस बंदे को नॉक कर दिया बट यार सीरियसली बता रही हूँ अगर मेरे दोनों हेडकॉनेक्ट नहीं होते ना तो मेरी यहाँ पेटी बंदी निश्चित थी और मेरे पास यहाँ बिल्कुल भी हेल्थ नहीं है तो मैं यहाँ ड्रिंक करके उस बिल्डिंग पे रश मार देती हूँ मुझे कोई अंदाजा नहीं होता है कि उस बिल्डिंग में और बंदे हैं या नहीं है बट यार मेरी किस्मत अच्छी होती है यहाँ कोई भी बंदा नहीं होता है और मैं यहाँ जैसी आती हूँ ये यह बंदा यहाँ भीगी वीली बन के बैठा हुआ होता है और इसकी टिमट का भी वही हाल होता है यार मुझसे इनका दर्द देखा नहीं जाता तो मैं इनको डायरेक्टली फिनिश कर देती हूँ और फिनिश करने के बाद थोड़ी सी लूट कर लेती हूँ लूट करती हूँ तो मुझे थोड़ी बहुत हेल्थ मिल जाती है तो मैं अपनी हेल्थ कंप्लीट करके यहाँ से निकलने वाली होती हूँ और मुझे यहाँ बंदे नोटिस नहीं होते हैं एक भी बंदा नोटिस नहीं होता है तो मैं इस बिल्डिंग से बाहर आ जाती थोड़ी देर घूमने के बाद थोड़ी देर मुशक्कत के बाद फाइनली मुझे गाड़ी नोटिस हो ही जाती है तो मैं इस गाड़ी को उठाती हूँ और यहाँ से निकल जाती हूँ थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे राइट साइड से फायर की साउंड आने लगती है यार मैं गाड़ी को रोकती हूँ और यहाँ पर देखने लगती हूँ फर्स्टली मेरे को बंदा तो बिल्कुल भी नोटिस नहीं होता है बट सडनली वो बंदा मेरे को नोटिस हो ही जाता है यहाँ पर ये बंदा पता नहीं क्या ही कर रहा होता है तो मैं इसको यहाँ डायरेक्टली आती हूँ और फिनिश कर देती हूँ मैं सोचती हूँ कि यार तुमने बंदे बहुत मार लिया अब जाकर लॉबी में रेस्ट करो तो मैं इसको यहाँ टोटली ख़त्म करने के बाद डायरेक्टली पोचंगी को जाती हूँ क्योंकि पोचंगी के साइड से भी फायर की आवाज़ होती है और मेरे पास यहाँ थोड़ी लूट भी नहीं थी तो मैंने सोचा कि चलो लूट भी कर लेंगे और बंधे हुए तो थोड़ा बहुत देख भी लेंगे मैं यहाँ जैसे इस बिल्डिंग के ऊपर जाती हूँ थोड़ी बहुत लूट करने की सोचती ही हूँ तब तक मुझे सामने के साइड से फुट स्टेप की आवाज़ आने लगती है और बंदा नोटिस होता है मैं इस बंदे को यहाँ पर नॉक कर देती हूँ और फ्रेश करने के लिए जैसे ही मैं बालकनी में जाती हूँ मुझे बहुत गंदा डैमेज पड़ने लगती है यार तो मैं अपनी थोड़ी सी हीलिंग कर लेती हूँ और हीलिंग करने के बाद नीचे जाती हूँ कि कहाँ से मुझे फायर पड़ रही थी मैं नीचे जाती हूँ बट मुझे कोई भी बंदा नोटिस नहीं होता है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग